हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रजनीश। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने चैनल में प्लेलिस्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि अपने चैनल को ओपन कर लेना है। तो मैं यहां अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लेता हूं और यूट्यूब चैनल में मैं अपने प्रोफाइल पर जाता हूँ और यहाँ से मेन अपने चैनल का प्रोफाइल में चला जाता हूँ। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ प्लेलिस्ट ग्रुप दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे कई सारे प्लेलिस्ट ग्रुप हैं। तो मैंने जितने भी जैसे फॉर न्यू यूट्यूबर को चैनल बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक का क्या प्रोसेस होता है उसका मैंने यहाँ ग्रुप बनाया हुआ है। तो एक बार में वो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकता है और समझ सकता है। और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो स्नैपशीट फोटो एडिटिंग। तो फोटो एडिटिंग के मैंने अपने चैनल पर जितने भी वीडियो डाले हुए हैं वो सारे वीडियो एक ही ग्रुप में है। तो वो ये वीडियो भी देखकर समझ सकता है और सारे वीडियो देखकर एडिटिंग भी सीख सकता है। उसके बाद कई सारे मेरे ग्रुप हैं। यहाँ व्हाट्सएप ट्रिक के बारे में मैंने जितने भी वीडियो डाले हुए हैं वो सारे वीडियो व्हाट्सएप प्लेलिस्ट ग्रुप में है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लेलिस्ट ग्रुप बनाने से फ़ायदा क्या होता है। तो प्लेलिस्ट ग्रुप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपके चैनल पर अगर कोई नया बंदा जाता है और आपके चैनल पर कोई नए लोग जाते हैं और आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उन्हें कैटेगरी बाई सारे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब कौन सा वीडियो किस कैटेगरी में किस ग्रुप में होना चाहिए वो सारे वीडियो वो कैटेगरी बाई कैटेगरी देखकर और समझ जाएंगे। उन्हें वीडियो खोजने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपके सब्सक्राइबर के लिए फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, प्लेलिस्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे प्लेलिस्ट ग्रुप में शॉर्ट वीडियो का मैंने ग्रुप अभी तक नहीं बनाया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट ग्रुप कैसे बनाऊँगा। तो जैसे प्लेलिस्ट ग्रुप बनता है वैसे ही आप शॉर्ट वीडियो का भी बना सकते हो। हालांकि मैंने अभी तक बनाया नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अपना शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट ग्रुप बनाने वाला हूँ तो प्लेलिस्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ अपने वीडियो में चला जाता हूँ और मैंने शॉर्ट वीडियो का जितना भी वीडियो डाला हुआ है शॉर्ट में तो वो सारे वीडियो को मैं यहाँ से देख लेता हूँ कहाँ कहाँ मेरा वीडियो है। तो नीचे से मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरा यहाँ पहला वीडियो आप यहाँ देख रहे हो शॉर्ट वीडियो का 11 सेकंड का है। तो अब मैं इसे प्लेलिस्ट ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा कि वीडियो के राइट साइड में जो 3 डॉट लाइन आपको दिखाई दे रहा है तो उस 3 डॉट लाइन पर क्लिक कर देना है। और थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है कि सेव टू प्लेलिस्ट पे चले जाना है। तो मैं यहाँ सेव टू प्लेलिस्ट पे चला जाता हूँ और उसके बाद क्या करना है कि अगर और आप यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ प्लेलिस्ट का न्यू ग्रुप बनाना है। तो सबसे ऊपर आप यहाँ देख रहे हो प्लस का आइकन है और न्यू प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, प्लस न्यू प्लेलिस्ट उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से अपना ग्रुप बना लेना है। तो मैं यहाँ ग्रुप बना देता हूँ शॉर्ट वीडियो SHSHORTS शॉर्ट्स वीडियो माई ऑल शॉर्ट्स वीडियो का ग्रुप बना देता हूँ ALL ऑल शॉर्ट्स वीडियो का मैंने यहाँ ग्रुप बना दिया। और यहाँ से प्राइवेट है तो इसे मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ क्या करना है कि एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे पब्लिक कर देना है और यहाँ से क्रिएट कर देना है। तो आपके प्लेलिस्ट में एक शॉर्ट वीडियो का अलग ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि शॉर्ट वीडियो का मेरे यहाँ ग्रुप जुड़ चुका है। अब मेरा जितना भी वीडियो होगा शॉर्ट वीडियो वो सारे वीडियो को मैं उसी प्लेलिस्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो ऐड कैसे करना है तो अब मैं अपना जितना भी प्लेलिस्ट मतलब कि शॉर्ट वीडियो जितना भी है उस सारे वीडियो को उसमें ऐड करूंगा एक वन बाई वन करके। तो आप यहां देख रहे हो मैंने एक वीडियो इसे मैंने ऐड किया था। अब सेकंड वाले को ऐड करना है स्नैपशीट बैकग्राउंड कलर चेंज। इस वीडियो को मैं उसमें प्लेलिस्ट ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। शॉर्ट वाला जो प्लेलिस्ट ग्रुप मैंने बनाया था उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है कि राइट साइड में जो 3 डॉट लाइन है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव टू प्लेलिस्ट पे चले जाना है। अब सेव टू प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ से क्या करना है कि ऑल शॉर्ट्स वीडियो जो आप यहाँ ग्रुप देख रहे हो तो इस ग्रुप पे यहाँ से क्लिक कर देना है और यहाँ से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से सिंपल क्या करना है कि नीचे से यहाँ
डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ से फिर से प्लेलिस्ट में जाना है और चेक कर लेना है कि वो वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो ऑल शॉर्ट्स वीडियो है, तो इसमें मैं जाता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मेरा वीडियो जो शॉर्ट्स वीडियो है वो यहाँ दो वीडियो इस ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से अपने शॉर्ट वीडियो को या फिर किसी भी वीडियो का ग्रुप बनाया जाता है प्लेलिस्ट में। तो आप इस वीडियो को देखकर मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेलिस्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इस तरह का जब भी ट्रिक नया जब भी मैं आपको ट्रिक बताऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आए और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सको। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।